हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमन परमार फ्रॉम बी पॉइंट वीजा कंसल्टेंट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूके स्टडी वीजा के बारे में। यूके गवर्नमेंट की तरफ से दो बड़ी अपडेट आई है यूके स्टडी वीजा को लेकर। दोनों ही अपडेट की बात करें तो दोनों ही स्टडी वीजा के लिए अच्छी नहीं है। यूके में मैक्सिमम बच्चे वो अप्लाई करते थे जिनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अदर कंट्रीज के साथ मीट नहीं होता था। उनके पास यूके एक अच्छा कंट्री था, अच्छी ऑप्शन थी जहां पर यूके के लिए बच्चे अप्लाई करते थे। सेकंड वो बच्चे थे जो अपने स्पाउस को या अपने बच्चों को साथ में ट्रैवल करना चाहते थे, यानी कि पूरी फैमिली ट्रैवल करना चाहती थी एक साथ, उनके लिए यूके बहुत बढ़िया ऑप्शन था। थर्ड वो बच्चे थे जिनके पास जहाँ पर एक्सपीरियंस था अच्छा खासा, उसके बाद वो स्टडी वीज़ा लेकर वहाँ पर ट्रैवल करते थे और वहाँ पर जाकर वो अपने स्टडी वीज़ा को वर्क परमिट में स्विच कर लेते थे। ये तीन बड़े रीज़न थे जिसके कारण यूके स्टडी वीज़ा मैक्सिमम अप्लाई होता था। अभी जो अपडेट आई है यूके गवर्नमेंट की तरफ से दोनों, वो इन्हीं सभी कैटेगरीज को इम्पैक्ट करेगी। अगर आप भी यूके स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, जहाँ आपने कर लिया है, जहाँ आप ऑलरेडी यूके में है, तो इन सभी अपडेट का इम्पैक्ट आप पे भी जरूर आएगा। आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना चाहिए। जितने भी क्वेश्चन, जितने भी डाउट आपके माइंड में हैं, तो वो सारे क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के लास्ट तक। आप सभी से इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें। सबसे पहले बात करेंगे जो फर्स्ट अपडेट आई है यूके गवर्नमेंट की तरफ से। अभी 17 जुलाई के बाद आप अपना स्टूडेंट वीजा वर्क परमिट में स्विच नहीं कर सकते। 17 जुलाई को ये अपडेट आई और 17 जुलाई को ही इंप्लीमेंट होगी, यानी कि ना तो आपको एक दिन का टाइम मिला, ना एक मंथ का, ना एक साल का, कोई सोचने का समय नहीं दिया। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया आज और सेम टाइम से इंप्लीमेंट हो गया। जिन्होंने 16 जुलाई या 17 जुलाई से पहले अप्लाई कर दिया अपना स्टडी वीज़ा को वर्क परमिट में स्विच करने के लिए, उनका प्रोसेस होगा, उन पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर वो एलिजिबल होंगे तो उनका स्विच हो भी सकता है। जिन्होंने 17 जुलाई के बाद प्लान किया हुआ था, अभी वो अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं करेंगे। अगर आप यूके स्टडी वीज़ा में अभी स्टडी करने जाएंगे या कर रहे हैं वहाँ पर, तो सबसे पहले जो कोर्स आपके पास होगा, चाहे वो एक साल का, दो साल का, तीन साल का, चार साल का, कुछ भी है, तो आपको पहले वो कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। जो रिक्वायरमेंट है 5, उसमें सबसे पहले उन्होंने लिख दिया कि आपको अपना कोर्स है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन, अगर आप PhD करने जा रहे हो तो भी कम से कम 24 मंथ के बाद ही आप एलिजिबल होंगे यूके में वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए। अगर PhD करने जा रहे हो तो 24 मंथ के बाद आप अप्लाई कर सकते हो। अगर मास्टर डिग्री तक आपके पास कोई भी कोर्स है तो उसका जितना ड्यूरेशन है, जो कोर्स का ड्यूरेशन है, वो उतना कंप्लीट करके कोर्स, उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको साथ में देना पड़ेगा, तभी आप वर्क परमिट के लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज आप वर्क परमिट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अभी बहुत सारे बच्चों के माइंड में होगा कि वर्क परमिट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे तो क्या हुआ, PR का पाथ इसी वर्क परमिट के थ्रू ही होगा। अगर आप स्टडी वीज़ा से PR का पाथ कवर करना चाहते हो तो आपको वर्क परमिट लेना ही पड़ेगा। अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो वर्क परमिट नहीं मिलेगा, तो आपको वापस आना पड़ेगा। दूसरा, उन्होंने बोला है कि किसी भी एम्प्लॉयर से आपको जॉब ऑफर लेटर चाहिए जब आपका स्टडी कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड जो रिक्वायरमेंट रख दी। थर्ड, उन्होंने बोला है कि मिनिमम जो सैलरी है रिक्वायरमेंट, अगर आपकी 26,200 से नीचे है और आप फ्रेश हैं, न्यू एंट्रेंट हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। आपके पास जो जॉब है वो ऑक्यूपेशन लिस्ट में आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई भी जॉब ऑफर लेटर लेकर आए, जो उनकी ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसके उसमें वो जॉब आपका होना चाहिए। जे 4th आपकी रिक्वायरमेंट है और जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की रिक्वायरमेंट है उसको आपको मीट करना पड़ेगा। तो जे 5 रिक्वायरमेंट उन्होंने रख दी हैं, जे फर्स्ट अपडेट है अगर आप अपने स्टडी वीज़ा को वर्क परमिट में स्विच करना चाहते हैं। पहले बच्चे क्या करते थे, जहाँ से 2 साल का प्रोग्राम लिया, 3 साल का प्रोग्राम लिया, वीज़ा ले लिया, वहाँ पर जाकर एक एम्प्लॉयर से वो जॉब ऑफर लेटर लेते थे और वहाँ से जाकर वो अपना स्विच कर लेते थे स्टडी वीज़ा टू वर्क परमिट। तो इसको रोकने के लिए यूके गवर्नमेंट का ये अपडेट है। और जो दूसरा अपडेट है, ये भी बहुत शॉकिंग है। पहले इस पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने, बहुत सारे वहाँ के जो इंस्टीट्यूट थे, उन्होंने इस पर इतराज़ किया था कि ऐसा होगा तो यूके का जो स्टडी वीज़ा है उस पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हमें यह था कि इसको बंद किया जाएगा, मगर यूके ने फाइनली जो डिपेंडेंट्स हैं, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, जो बच्चे ये सोचते थे कि मैं अपनी फैमिली, अपने स्पाउस को, अपने बच्चों को साथ ट्रैवल करूंगा, पूरी फैमिली ट्रैवल करेंगे, मैं स्टडी करूंगा, मेरा स्पाउस वर्क परमिट पे जाएगा, बच्चे स्टडी करेंगे, तो अभी इन सभी के लिए उन्होंने बंद कर दिया।
उन्होंने एक डेटा शेयर किया नाइजीरिया का। नाइजीरिया में एक एक स्टूडेंट के पीछे तीन तीन चार चार डिपेंडेंट ने ट्रैवल किया, इस वजह से उन्होंने इस चीज़ को बंद कर दिया है। मगर जहां पर आपको समय जरूर मिला है, 1 जनवरी 2024 से पहले अगर आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है तो आप अपने फैमिली को, आप अपने बच्चों को साथ में ट्रैवल करवा सकते हैं। अगर आपका कोर्स 1 जनवरी 2024 से पहले स्टार्ट हो रहा है, 1 जनवरी 2024 के बाद अगर आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है तो आप अपने स्पाउस को, डिपेंडेंट को साथ नहीं लेके जा सकते। इसका मीनिंग यही है कि जनवरी का जो इनटेक होता है वो 7 जनवरी से मैक्सिमम कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में स्टार्ट होता है, तो उन्होंने उसको रोकने के लिए कि जनवरी के बाद ये एलिजिबल ना हो, अभी आपके पास इसका ऑप्शन ये है, क्योंकि यहाँ पर आपको समय मिल चुका है, आप 27 में अप्लाई कर सकते हैं। अभी भी कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, उसके बाद अक्टूबर नवंबर में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अगर एलिजिबल हैं, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ज़्यादा समय आपके पास यूके के लिए नहीं है, तो आप यूके स्टडी वीज़ा के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं जल्दी अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ, तो आप 27 को मेन फोकस रखिए। उसके बाद थोड़े बहुत आपको कोर्स मिल जाएंगे अक्टूबर नवंबर में। जनवरी 1 से आप अपने स्पाउस को साथ नहीं लेके जा सकते। पहले जो अपडेट थी उसमें यह था कि कुछ मास्टर डिग्री जो रिसर्च बेस्ड हैं, जहाँ PhD आप करने जा रहे हैं, तो आप अपने डिपेंडेंट को साथ लेके जा सकते हैं। मगर जहाँ पर जो नई अपडेट है, इसमें उन्होंने क्लियर कर दिया कि 1 जनवरी के बाद कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट अपनी फैमिली, अपने डिपेंडेंट को साथ नहीं लेके आ सकेगा। तो इन सभी के बाद जो लास्ट अपडेट आती है, जिसमें हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते थे, उसको अभी कैनेडा ने मैच कर दिया है। आप ओवरऑल 6, 1 में 5.5, 2 में 5.5 के साथ SDS में जा सकते हैं। PT ओवरऑल 60 आप कनाडा में SDS में फाइल लगा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं, जिसकी वजह से आने वाले समय में UK स्टडी वीज़ा को काफ़ी बड़ा नुकसान होगा, काफ़ी जो एप्लीकेशंस हैं वो कम लगेंगी। तो सितंबर एक लास्ट ऑप्शन है उन बच्चों के लिए जो अपने डिपेंडेंट, अपनी फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, हमारी सर्विस लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर 9551760001 पे कॉल करिए। जो भी प्रोसेस होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।